और फिर खाकी की करतूत ने खाकी के दामन पर दाग लगाया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, अपहरण कर फिरौती वसूलने का। जी हाँ, पूरा मामला जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र का है। क्यूआरटी टीम में तैनात दो सिपाहियों ने एक ग्रामीण के पुत्र का अपहरण कर लिया और परिजनों से 1,00,000 रुपए की फिरौती मांगी, जिसकी शिकायत उसने तुरंत थाने पर की, जिसमें अपने को घिरता देख दोनों सिपाही युवक को टोल प्लाजा के पास छोड़कर भाग गए, लेकिन दोनों युवक का मोबाइल लूट ले गए। पुलिस ने दोनों के साथ उनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर माजरा निवासी एहसान अली ने आज थाने पर शिकायत दर्ज करवाई कि 27 फरवरी को 7:30 बजे उसके पुत्र मुख्तियार अली उर्फ सलमान को करीब 22 वर्ष को थाना भोजपुर में तैनात और वर्तमान में पुलिस लाइन कार्यरत आरक्षी अक्षय उप्पल तथा थाना मुंडा पांडे में तैनात और क्यूआरटी में कार्यरत आरक्षी निखिल व उसके भाई आशीष द्वारा गांव से अपहरण कर ले गए हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से उसके परिजनों से 1,00,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने एवं पुलिस के डर से देर रात्रि करीब 2 बजे टोल प्लाजा से आगे से अपहृत सलमान को मोबाइल छीन कर हाईवे पर छोड़कर भाग गए। एहसान की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आज दोनों सिपाहियों के साथ ही उनके साथ ही आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से सलमान का मोबाइल और अपहरण में शामिल कार भी बरामद कर ली है। इस मामले में एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों सिपाहियों के साथ ही उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, संबंधित धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। लड़के के साथ में क्या हुआ था? रोज खाना खा रहा, खाना खाते से फोन करा, इन्हें लिवा के ले गया, बुलाया फोन करके। किसने? अक्षय ने। अच्छा, फिर ले जाकर ना है कुआ नहर पे को और जाया गया लोग और हाथ मिलाया और इन्हें गाड़ी में डाल लिया एकदम से। अच्छा, उन्हें वापिस कर दिया और आप आ गया यहाँ को। तुम्हारे लड़के को सूजी वाले ले गए, किरान किरान वाले। अच्छा, हम बोले सही सही बता देना, तुझसे लेकर छोड़ूंगी अपना लड़का। तो आने वो ज़्यादा बोल रही है, बोलती बहुत है, ज़्यादा बोल रही है। मैं कि तुझसे लेकर छोड़ूंगी अपना लड़का, मेरे लड़के इतने ज़्यादा ना है, 3 लड़के मेरे हैं, तुम्हारे खटाले हैं, जिस पर तुझसे तेरे सिर पड़ूंगी मैं। फिर भाग गया, यहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे, एकदम से भाग गया निकल कर गाड़ी बुलेट ले। तो इन्होंने कोई पैसों की मांग की थी? हाँ, पैसों की मांग करे 60,000। अच्छा, फिर बोले 70,000, फिर 80,000, मैं कहाँ से लाएंगे। फिर बोला 1,00,000 से कम नहीं लूँगा। हाँ, 1,00,000। कहाँ लेकर गए थे ना? कहाँ लेकर गए थे आपके लड़के को? मारा पीटा है इन्होंने? हाँ, रामपुर दौराए, फिर जंगल में ले गए। किस टाइम लेके गए थे, किस टाइम छोड़ा था? हाँ, 8:30 का टाइम था, रात में। हाँ, फिर क्या किया? बोलिए फिर रहे, हमने फिर थाने पहुँचे, हमने उनसे शिकायत करी। जब वो उन्होंने पुलिस लगा के रिकॉर्डिंग बनाते चले गए, वो उन्होंने लगा दी जानता बाल लैस करके पुलिस। जब जाके वो छोड़ के लड़के को, बगेल के लड़के को जब भागे, लड़के को मारा पीटा। हाँ, मारा पीटा खूब। कितने रुपए मांग रहे थे एक बार में? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए कह रहे थे, बोले बाद में छोड़ देंगे। हाँ, 1,00,000 रुपए दे दो। हाँ, 1,00,000 रुपए लिया और 20 मिनट में जल्दी चले आओ, नहीं तो हम जान से मार देंगे। दिनांक 27 फरवरी की रात्रि में थाना भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत गनीमत नगर गाँव निवासी सलमान नामक व्यक्ति के अपहरण व फिरौती की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस ने इस पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए नाकेबंदी करते हुए अपहृत को बरामद किया तथा इस घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि उक्त घटना में पूर्व में थाने पर नियुक्त रहे आरक्षी तथा एक अन्य आरक्षी जो थाना मोड़ा पांडे पर वर्तमान में नियुक्त है, उनकी संलिप्तता पाई गई और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.